दोस्तों क्या आप लोग जानते हो कि हमारा जो पृथ्वी है इसमें जितने भी समुद्र है बड़े बड़े ओशियन अगर ये सूख जाए तो क्या होगा, यानी अगर ये पृथ्वी रेगिस्तान बन गई तो क्या होगा। और क्या आप लोग जानते हो कि इस धरती में जितने भी गोल्ड है अगर हम लोग सबको निकाल पाए इस धरती के पूरे कोर तक जाके तो हमारे पास इतना गोल्ड होगा कि हम लोग पूरे धरती को ही गोल्ड का कवर बना सकते हैं। और क्या आपको पता है कि एक 8 साल की छोटी लड़की ने 7 नए एस्ट्रॉइड्स को डिस्कवर किया है नासा के लिए। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपका होश उड़ जाएंगे। नॉनस्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 10, ये एक अमेजिंग सा डिपिक्शन है और आप इसे देखो। जब आसमान में सुपरनोवा होता है, इसका मतलब जब किसी तारे की डेथ होती है तब वो एक एक्सप्लोजन का सीन अगर हम लोग किसी पावरफुल टेलीस्कोप से देखे या फिर अगर वो एक्सप्लोजन कहीं सामने हुआ है, वो सुपरनोवा सामने हुआ है तो उसे अगर हम लोग आंखों से देखे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और जब एक सेल का बर्थ होता है तब भी वो कुछ ऐसा ही दिखता है। और भी आप ऐसा कंपैरिजन देखे होंगे कि दिमाग का जो न्यूरॉन्स का मैप होता है और जो यूनिवर्स का जूम्ड आउट मैप है वो भी कुछ हद तक मिलता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट पता है? आप पहले इन आर्टिकल्स को देखो। चाइना के वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा काम किया है जो कि सुन के आप रियली में चौंक जाओगे। क्या है कि उन्होंने एक ऐसा मैग्नेट बनाया है जो कि धरती के कोर जो है, धरती का जो सेंटर है उसमें जो मैग्नेटिज्म है ना, मैग्नेटिक कोर, उससे 10 लाख गुना यानी 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। वो मैग्नेट जो बनाया है वो बस एक सिक्के की साइज का है, एक कॉइन की साइज के बराबर है। उसका साइज बस एक सिक्के के बराबर है और उसका डायमीटर सिर्फ 33 मिलीमीटर है, लेकिन वो धरती के कोर से भी 10 लाख गुना ज्यादा है। यानी कि धरती का कोर जो है वो 0.00005 टेस्ला इतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, लेकिन ये जो चाइना का मैग्नेट है ये 45.22 टेस्ला इतना मैग्नेटिज्म जनरेट करता है जो कि कोर से 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर है। ये पता नहीं क्या क्या कर रही है साइंटिस्ट, मुझे डर लग रहा है कि कहीं इस दुनिया का अंत ना हो जाए। फैक्ट नंबर 8, ग्राफीन से रिलेटेड मैं आपको एक आर्ट पिक्चर दिखा देता हूँ। ये वाला पिक्चर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें आप ये देख सकते हो कि एक हाथी ट्राई कर रहा है एक मटेरियल को तोड़ने का। तो ये एक्चुअली में एक ग्राफीन है और ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल की लिस्ट में टॉप पे आता है। ये ग्राफीन दिखने में बहुत पतला होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा ही हार्ड है, यहाँ तक कि अगर डायमंड की बात करें तो वो भी इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राफीन को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ग्राफीन का एक सीट ले लो, एक छोटा सा पतला सा सीट, एक पेपर जो होता है ना उसके किताब का उतना छोटा एक सीट ले लो, तो उसको तोड़ने के लिए एक हाथी के वजन की जरूरत पड़ेगी तब जाके वो टूटेगा। इंसान के लिए तोड़ना पॉसिबल नहीं है। मतलब मार्वल और मूवीज में जो हमें दिखाया जाता है कि जैसे अलग अलग फिल्मी इमेजिनेटिव मटेरियल का नाम लिया जाता है, जैसे कि एडमेंटेनियम या फिर वाइब्रेनियम, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का शील्ड बना है, तो ऐसे चीज रियल में भी होते हैं कुछ, और ग्राफीन जो है वो उनमें से ही एक है। फैक्ट नंबर 7, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है अभी जोको विडोडो, उनसे एक बार पूछा गया था कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो पता है इन्होंने क्या आंसर दिया? इन्होंने कहा कि मेरा फेवरेट सुपर हीरो कृष्णा है। लॉर्ड कृष्णा के पास एक वेपन था, सुदर्शन चक्र, और उनके हाथ में बांसुरी और माथे पे मोरपंख था, और वो बचपन में माखन चुराया करते थे, और ऐसे ही बाकी डिटेल्स प्रेसिडेंट ने पढ़ा था उनके बारे में, और कृष्णा जी बहुत वाइस भी थे। तो इसलिए ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट ने अपना फेवरेट सुपर हीरो कृष्ण जी को माना। फैक्ट नंबर 6, क्या आपने कभी प्लेन में चढ़ा है? ये आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दो। तो क्या ना कि एक फैक्ट है कि मुझे ऐसा लगता था कि इस वर्ल्ड का ज्यादातर पॉपुलेशन प्लेन में चढ़ चुका है, बट एक्चुअली में सर्वे में ये पता चला है कि इस वर्ल्ड का 20% पॉपुलेशन ही प्लेन में चढ़ा है और बाकी 80% कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। ये कितना अमेजिंग सी बात है ना, 80% ऑफ द पॉपुलेशन कभी प्लेन में चढ़ा ही नहीं है। बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को कभी प्लेन में चढ़ने की रिक्वायरमेंट फील नहीं होती है या फिर किसी और देश में जाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बहुत सारे लोग प्लेन में चढ़े ही नहीं होंगे। और ऑफ कोर्स प्लेन महंगा होता है, एवरेज से बहुत ऊपर होता है और ये अपर मिडिल क्लास ही अफोर्ड कर सकते हैं, बट ज्यादातर इस इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग सेविंग पे यकीन करते हैं। एंड पता नहीं क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों मेंटलिटी है, बट 80% लोग आज तक कभी फ्लाइट में चढ़े ही नहीं है, सिर्फ 20% लोग फ्लाइट में चढ़े हैं, सर्वे से ये पता चला है, और आप इसे रिलेटेड कई आर्टिकल देख सकते हो। मुझे भी ये सुनने में यकीन नहीं हुआ कि मतलब 20% लोग ही इस प्लेन में चढ़े हैं, बाकी पूरे आबादी का, इस पूरे धरती का 700 करोड़ लोग में से 80% लोग कभी प्लेन में चढ़े ही नहीं है। फैक्ट नंबर 5, ये प्लेन के बारे में बात करते करते एक फैक्ट याद आ गया। क्या कि सऊदी अरबिया में एक एयरपोर्ट है, किंग फैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये एक एयरपोर्ट है, ठीक है? तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या कोई एयरपोर्ट एक पूरे शहर से बड़ा हो सकता है? तो क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक एयरपोर्ट ऐसा है जो कि पूरे मुंबई शहर से भी ज्यादा बड़ा है, मतलब मुंबई शहर का जो साइज है उससे भी ज्यादा बड़ा सिर्फ एक एयरपोर्ट है सऊदी अरबिया में। ये सुनने में भले इम्पॉसिबल लगता है बट ये ट्रू है। इस एयरपोर्ट का एरिया जो है वो है 780 स्क्वायर किलोमीटर्स और मुंबई शहर का जो एरिया है वो है 603.4 स्क्वायर किलोमीटर्स। दैट्स गजब।
फैक्ट नंबर 4, ये पिक्चर देखो, इस पे 1000 मीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन पे दो लोग टेनिस खेल रहे हैं। इसका फैक्ट चेक करते हैं क्या ये रियल फोटो है, तो अमेजिंगली मैं आपको बता दूं कि हाँ ये रियल फोटो है। जी हाँ, ये फोटो एडिटेड लग रहा है बट ये एक्चुअल में रियल है, एंड इंटरनेट पे बहुत सारे रेफरेंस भी मिल जाएंगे इस इमेज से रिलेटेड। क्या है कि ये फोटो रियल है और ये एक जेन्युइन एक्ट है, एक एरियल एरोबेटिक्स है, मतलब एक हवा में मौजूद एक स्टंट है जो कि दो लोगों ने किया है, ग्लैडिस रॉय और इवान अंगर, नवंबर 1925 में इन्होंने किया था। हालांकि वो बस पोज था फोटो के लिए, फोटो रियल है, बट आप इस फोटो को ध्यान से देखो, कहीं बॉल नहीं है इसमें। तो ये जो है ये टेनिस के पोज में है, बस बॉल नहीं है बीच में, लेकिन जो स्टंट है वो इटसेल्फ रियल है और ये फोटो रियल है। 1 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे प्लेन पे ऐसे भी पोज करना बहुत मुश्किल है इतने स्पीड में, कैसे कर लिए पता नहीं, स्टंट मैन कर ही सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, ब्राजील की एक 8 साल की लड़की है एंड इसके बारे में कई आर्टिकल्स आए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसने एक बहुत ही अमेजिंग सा काम किया है, इसने 7 एस्ट्रोनॉट्स को कवर किया है नासा के लिए, मतलब एक 8 साल की लड़की नासा के लिए 7 नए एस्ट्रोनॉट्स को टेलीस्कोप के थ्रू खोजा है, जो कि उस उम्र में बहुत ही मुश्किल है एंड अमेजिंग सी बात है, बट इस लड़की ने किया है एंड इसका नाम है निकोल ओलिवेरा। फैक्ट नंबर 2, इस धरती का एक इंटरेस्टिंग सा पिक मैं आपको दिखाता हूँ, इस पिक को देखो, इसमें आप देख सकते हो कि पूरी धरती गोल्ड से घिरी हुई है। साइंटिस्ट के हिसाब से इस धरती के अंदर बहुत सारा गोल्ड मौजूद है। इस धरती के अंदर एक्चुअली में जितना फाइंड किया गया उससे बहुत लाखों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है, अरबों गुना ज्यादा गोल्ड मौजूद है। तो ये पिक्चर ये डिपेंड करता है कि अगर हम लोग सारे गोल्ड को निकाल पाएंगे एकदम कोर तक जाके, धरती का कोर जो है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, जहाँ पे कोई इंसान पहुंच नहीं सकता, वहाँ भी बहुत ज्यादा गोल्ड मौजूद है। अगर किसी भी तरह हम लोग गोल्ड निकाल पाए उतने अंदर जाके, जो कि ऑफकोर्स अभी की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो पाए तो ऐसा कुछ होगा कि हम पूरे धरती को कवर कर लेंगे सोने से। इतना सारा गोल्ड है एक्चुअली में, लेकिन वो बहुत अंदर है इसलिए वो एक्सेसिबल नहीं है। 1.5 फीट की एक परत से धरती को हम लोग कवर कर लेंगे पूरे सोने से, इतना गोल्ड है हमारे धरती में, बट वो अनएक्सेसिबल है और ऊपर में बहुत कम ही गोल्ड है, जहाँ पे माइनर्स पाते हैं, और इसलिए हम लोग इसको रेयर मानते हैं और इसका प्राइस महंगा होता है। अगर इतना सारा गोल्ड आ गया तो आपको प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत अबंडेंट हो जाएगा, और जब गोल्ड कॉमन हो जाएगा और सप्लाई इतनी बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स इसका प्राइस गिर जाएगा, पर फिलहाल अभी के टेक्नोलॉजी से ये सिर्फ सपना ही रहेगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये अमेजिंग फैक्ट पता है कि साइंटिस्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि आज से कुछ बिलियन साल पहले धरती पूरे पानी से कवर्ड था। जी हाँ, ये मैंने भी सुना था तो चौंक गया था, बट इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो कि साइंटिस्ट ने ये पता किया है कि ये धरती पहले पूरे पानी में कवर्ड थी। मतलब हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड को इमेजिन करते हैं ना कि पूरे धरती पानी से घिरी हुई है, तो ऐसे पूरे धरती पानी में कवर्ड था, एंड देन कुछ कुछ लैंड इमर्ज हुए बहुत साल बाद, मिलियन ऑफ ईयर बाद, और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ और फिर लैंड फॉर्म हुई, और फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अभी भी मेजोरिटी पोर्शन पानी में कवर्ड है बट लैंड भी बहुत है, और इस तरह बने ओशियन, सीज और लेक्स, रिवर। एंड ओशियन का इस एनवायरनमेंट में बहुत काम है, वो क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करती है, जो सन का हीट होता है, जो गर्मी होती है उससे एक्चुअली में ये ओशियन ही रेगुलेट करती है और ठंडा रखती है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उस धरती को ठंडा रखती है। ये ओशियन का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी धरती पे टेम्परेचर को मेंटेन करने का, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ताकि इस धरती पे टेम्परेचर ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म ना हो, और वाटर साइकिल भी इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है, और बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है। अगर धरती पे ओशियन ना हो, पानी ना हो, तो बारिश भी कहां से होगी। तो क्या हो अगर सारा ओशियन गायब हो गया, तब तो धरती एकदम ऐसी दिखेगी जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ ऐसा हो जाएगा धरती का मैप, और धरती में लिटरली ऐसे आपको गड्ढे दिखेंगे जिसमें पूरा खाली है, और पूरा धरती एक डेजर्ट में बदल जाएगा। जैसे आप रेगिस्तान देखते हो ना, रेगिस्तान, वो जो रेगिस्तान वाला एरिया होता है, पूरा ओशियन गायब होने के बाद पूरा धरती ही एक रेगिस्तान में बदल जाएगा, और बारिश होगा नहीं क्योंकि वाटर साइकिल होगा नहीं, क्योंकि समुद्र तो है नहीं, और जो सन का हीट एब्जॉर्ब करने की बात आई वो भी नहीं होगी, तो धरती पे गर्मी इतनी बढ़ेगी कि सारे जंगलों में धीरे धीरे आग लगने लग जाएगा, एंड ये काफी डेंजरस सिचुएशन होगी इंसानों के लिए। पूरा धरती स्लोली वेनस प्लैनेट की तरह पूरा रोस्ट हो जाएगा और पूरा गर्म हो जाएगा, पूरा हीटेड हो जाएगा, और पानी गायब होने के 1-2 साल बाद ही पूरी धरती बिना पानी के हो जाएगा। बचा कुचा पानी जो लेक और रिवर में होगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि ओशियन ही सबका बेस है। नदी एक्चुअली में लास्ट में जाके ओशियन में ही मिलती है, एंड इसलिए जब ओशियन नहीं रहेगा तो नदी भी नहीं रहेगी, और ओशियन गायब हो गया तो सारे जंगलों में आग लग जाएगा, क्योंकि सन का जो रेज है ओशियन ही अब्सॉर्ब करेगा, और धरती का हीट इतना बढ़ जाएगा, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, सारे जंगलों में आग लगने लगेगा ऑटोमेटिकली, एंड शायद ओशियन के बिना इस धरती में लाइफ एकदम संभव ही ना हो पाए। चाहे कुछ भी कर ले इंसान, कैसे भी टेक्नोलॉजी आ जाए इंसान के पास, हीट यानी गर्मी ही मार देगी। तो ये था इसका आंसर कि समुद्र अगर गायब हो जाए तो क्या होगा, बट ऐसा होगा नहीं एक्चुअली में। बट हम लोग समुद्र के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए ऐसे ही एक बार एक्सप्लोर किए कि क्या होगा, बट सेट बैक एंड रिलैक्स, क्योंकि ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, ये रिलैक्समेंट की बात है, इसलिए जस्ट एंजॉय योरसेल्फ।